Hey guys, what's up? You're putting up pretty fine. Welcome to another vlog. तो बहुत दिन से मैंने एक vlog नहीं डाला क्योंकि सब कुछ सही नहीं चल रहा था. मैं थोड़ा सा down चल रहा था, थोड़ा सा मतलब I wasn't having a good time actually. मालदा में आके वो मतलब मन नहीं लग रहा था पहला कुछ दिन. अभी तब भी ठीक है. आज है 5th of July और हम लोग जा रहे हैं घर 12th of July में. और मोटा मोटी वही 3 हफ्ता हो गया है हुए और ज़्यादा मैं वीडियोस डाल भी नहीं रहा हूँ बिकॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आई वाज़न्ट फीलिंग एज मच यू नो पम्प्ड अप एज आई नॉर्मली फील. तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं डाले. अब घर जाऊँगा तो इस बार सोचा हूँ, मैंने सोचा है 2-3 अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर जिसके ऊपर मैं व्लॉग कर सकता हूँ और बाकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग भी करेंगे. तो मेरा बर्थडे भी था 17 जून को और अभी ऑलरेडी बहुत लेट है 17 जून का बर्थडे के बारे में डालने के लिए, लेकिन तब भी डाल देता हूँ. ज़रूर आप लोग देखिए और उसके बाद आप आइए तो मैं आपको जजेस क्वार्टर्स का रूम टूर दूंगा कि जजेस लोगों को कैसा क्वार्टर मिलता है. मतलब हर जगह सेम नहीं होता है, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि मतलब यहाँ पर कैसा है. मालदा का सब डिविज़न जो चांचल है उसमें जजेस क्वार्टर्स कैसा. पापा आप जलाइए ना, उसको जलाइए. खराब ला दिए का. सो गाइस थोड़ा सा जलने में प्रॉब्लम हो रहा है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, टाइम लग रहा है. अब देखिए जलेगा. एक नंबर दीजिए अभी जाएगा. दिस इज जवाब. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Raj. Happy birthday to you. ताली मारो, ताली मारो, ताली. बोलो दी. Happy birthday to you. एक कैमरा मैं थोड़ा सा टच करा दो दीदी के लिए. कैमरा टच करा दो, कैमरा में टच करा दो. हेलो. हेलो 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 चॉकलेट. अरे मम्मी चॉकलेट है. तो आइए शुरू करते हैं. ये मेरे पापा का बोर्ड है. तो ये है एंट्री हॉलवे. देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक्सटेंडेड है. यहाँ उस रूम में भी ये भी रूम यहाँ पर से है. इतना बड़ा है. हम लोग एक्चुअली इसको अभी ऑफिस रूम कम एक बेडरूम कर चुके हैं और ये बीच में डिवीजन दिया हुआ है और इसको हम लोग ने हॉल रखा है. हॉल अभी थोड़ा सा होता कुछ ठीक मतलब इन नॉट इन द बेस्ट ऑफ इट स्टेट. थोड़ा
बिखरा हुआ है, ये देखिए ये बेसिन। तो यहाँ पे है बालकनी एक, लेकिन ये पीछे का बालकनी है, थोड़ा पोछा वोछा है, क्या ही दिखाऊंगा आपको। ये रूम है फॉर द इन्वर्टर, इन्वर्टर रखा हुआ रहता है यहाँ पे, और कुछ झाड़ू पोछा वगैरह इस रूम में रखा रहता है। इस रूम में एक्चुअली भैया का रूम है, तो अब इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बेडरूम मतलब ये एक्चुअली बेडरूम था नहीं है, पहले ऑफिस रूम था, लेकिन अभी हम लोग कुछ दिन आए तो कुछ दिन के लिए एक बेडरूम भी है। ये मच्छरदानी लगा हुआ है। अब आते हैं सामने, सामने देखिए टू माय लेफ्ट इज अ किचन, ये है किचन, यहीं पे अपना खाना बनता है। आप लोगों को तो पता नहीं होगा किचन में खाना बनता है, इसलिए बता देता हूँ। एक्चुअली ज़्यादा फर्नीचर नहीं है, क्योंकि फर्नीचर पापा का तो तीन साल पे ट्रांसफ़र होते रहता है, तो उतना फर्नीचर लेके जाना लेके आना बहुत मुश्किल है। अपना बैग सब वहाँ पे रखा हुआ है, तो फर्नीचर का थोड़ा कमी है। ये रूम खाली रहता है, ये रूम में मैं कभी कभी शाम को आता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कभी कभार जिम वगैरह करता हूँ। ये कलना पापा यूज़ करते हैं, एक छोटा सा ट्रंक टाइप का है वो यूज़ करते हैं। अब आते हैं बाहर निकलते हैं। ये है बाथरूम, एक नंबर वन बाथरूम, और ये है एक बेडरूम जिसमें पापा मम्मी अभी रहते हैं। और वो है बेंच, जो बेंच प्रेस करने के लिए बना था, लेकिन अभी हम लोग उसमें सामान रखते हैं, क्या क्या रखा हुआ है, कपड़ा और फाइल वाइल सब रखा हुआ है। ये है और एक ये जिसमें अभी मैं फिर से अपने भाई सब चेक करूँगा, क्योंकि भाई सब कर्ल किए हुए दो तीन दिन हो गया, इसलिए पूछा गया है। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है। अब आते हैं मेरे रूम में, मेरा ही रूम सबसे बड़ा है, और अच्छी बात है, मेरा रूम सबसे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब क्या ही बड़ा है, कुछ दिन के लिए है फिर चले जाऊंगा। तो ये है मेरा रूम, देखिए वहाँ पे डंबल है जो मैं डंबल करते रहता हूँ। ये है अपना लैपटॉप, ये है बेड, वो मेरा एक्सटेंशन। यहाँ पे टीवी है, पापा मम्मी शाम को आके कभी कभार रामायण वगैरह देखते हैं। और ये है बालकनी, फ्रंट बालकनी, इसको हटा देते हैं, रुकिए। ये देखिए ये है फ्रंट बालकनी का व्यू, ये देखिए वहाँ पे है गैरेज, चार ठो गैरेज है, मतलब चार ठो गैरेज में वही बाइक वाइक रखा रहता है। ये कोई पापा के कॉलीग सर आ रहे हैं, ये सब अपना गार्डनिंग किया हुआ है, एलोवेरा और बस एलोवेरा ही पता मेरे को, तुलसी जी वहाँ पे भी, तुलसी जी। और वो है सामने कोर्ट, कोर्ट के ठीक सामने मंदिर, जो मैं मंदिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, मंदिर का ब्लॉग। और वहाँ पर है कोर्ट, वो रेड वाला, फोकस ले लेगा, हाँ वो रेड वाला है मंदिर। और सामने जो है ये रेड बाउंड्री हटाने के बाद, वो उस तरफ जंगल है, और वो जंगल एक्सटेंड्स टू दैट 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 एंड होल ऑफ दैट एंड दैट रीजन में, उस रीजन में एक्चुअली बहुत सियार है, मतलब सियार मतलब जैकल, सियार बोलते हैं, इट्स एनिमल, छोटा सा होता है, एंड जैकल यू नो जैकल राइट, तो वहाँ उस रीजन में बहुत सियार है। यहाँ पर भी लंबा लंबा घास है, कभी कभार सांप वगैरह आ जाता है। तो देखिए वहाँ पर एक कोई कुछ गार्डनिंग वार्डनिंग कर रहा है, गार्डनिंग वार्डनिंग काफ़ी अच्छा से किया हुआ है, देखिए आपको दिखाते हैं, इसके बाहर निकाल कर ये देखिए ओह सिनेमैटिक शॉट्स, मज़ा आ गया। देखिए कोर्ट में जो बहुत लगाया हुआ है, कोर्ट्स है, कोर्ट आवर्स में चल रहा है अभी। तो इसी के साथ रूम टूर विद ऋतिक सिंह समाप्त होता है। That's it for today guys, thank you for watching this vlog. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप वो 90% लोग में हो जो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, सब्सक्राइब कर दो, फ्री है। और ज़रूर अपने फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना, अपने सारे फैमिली ग्रुप्स में डाल दो कि वॉच दिस व्लॉग। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज ऋतिक सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।